नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बिलाल अहमद की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक आकस्मिक बैठक में जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना अंतर्गत गुलौर गांव में मंदिर पर पूजा पाठ करने वाले साधु महंत रामचरण दास अपराधी द्वारा की गई हत्या की निंदा की गई। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के निर्देश पर घटनास्थल पर घटना की जानकारी प्राप्त करने गए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ। जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने बैठक में कहा कि साधु की हत्या से साबित हो गया है कि जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, लोगों में भय व्याप्त है, यहाँ तक कि साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री को अविलंब त्यागपत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पीड़ित साधु के परिवार के साथ खड़ी है, यथासंभव परिवार की सहायता करेगी। सरकार तत्काल पीड़ित परिवार को तत्काल 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए एवं पीड़ित परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में मुन्नू मौर्य ने कहा कि घटनास्थल पर मैं और उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति पहुंचकर पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी प्राप्त किए। साथ ही यह भी कहा यदि मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर पूर्णमासी प्रजापति मुन्नू मौर्य देवमुनि राजभर ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया।